Hey guys, welcome back to another video. दोस्तों दुनिया काफी ज्यादा तेजी से बदल रही है और इसी बदलने के प्रोसेस में आपका प्यारा MIUI भी बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यारा दुलारा MIUI अब नए अवतार में आने वाला है जिसका नाम होने वाला है HyperOS। Xiaomi ने इसका डिसीजन ले लिया और इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और क्या ये इंडिया में ये HyperOS आएगा या नहीं आएगा, HyperOS लाने की क्या वजह है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को तक देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ और आज हम लोग बात करने वाले इसी Xiaomi HyperOS के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले मैं अगर फीचर्स से शुरुआत करूं तो यहां पे फीचर्स काफी भर के दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि MIUI जाना जाता है कस्टमाइजेशन की वजह से। दोस्तों यहां पे HyperOS को भी वैसे ही डिजाइन किया जा रहा है कि यहां पे काफी ज्यादा कस्टमाइज किया जा सके। दोस्तों यहां पे शुरुआत करते हैं इसके लॉक स्क्रीन से। दोस्तों यहाँ पे लॉक स्क्रीन काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल होने वाला है। अगर आप लोग एक चाहते हो कि आप लोग को एक कूल सा लुक मिले लॉक स्क्रीन पे तो आप लोग के लिए HyperOS काफी कमाल साबित होने वाला है। और सो अगर आप लोग ये चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा ये आईफोन से इंस्पायर्ड भी लगे तो भाई यहाँ पे HyperOS बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप लोग साइड बाई साइड रखोगे HyperOS और iOS के लॉक स्क्रीन को ये काफी ज्यादा मिलता जुलता दिखाई देगा, यानी कि मौसेरे भाई जैसा ये लगने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फीचर्स ये काफी कमाल कमाल निकाल के दे रहा है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके आइकन्स के बारे में तो आइकन्स जैसा दोस्तों पहले था वैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये 3D टच देने का कोशिश किया है और कुछ कुछ आइकन्स को रीडिजाइन भी किया गया है। थर्ड चीज दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे इस बार का नोटिफिकेशन पैनल काफी ज्यादा इजी टू यूज होने वाला है। यहाँ पे जो भी चीजें आपको जरूरी है वो इजिली आप 100 यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ पे आपका साउंड बार हो गया या फिर ब्राइटनेस बार हो गई, सारी चीजें यहाँ पे इजी टू यूज रखा गया। इसमें भी आप ढेरों कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और आपको दोस्तों मैं बताते चलूं कि ये नोटिफिकेशन पैनल है ना, वो लगभग आईफोन के तरह ही मिलता जुलता है। अब दोस्तों चौथी चीज बात करते हैं इसका कैमरा, तो कैमरा का इंटरफेस भी बदलने वाला है। यहाँ पे कैमरा में आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे कैलेंडर के बारे में बात करूं तो कैलेंडर में भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई है। वैसे दोस्तों इसमें फीचर बहुत सारे हैं, अगर मैं सारे फीचर्स को इस वीडियो में बताना चाहूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो कंपनी के अनुसार यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस लास्ट MIUI के परफॉर्मेंस से 30% ज्यादा है। और ये बैटरी इफिशियंट भी है और ये 20% बैटरी कम खर्च करेगा लास्ट MIUI अपडेट के मुकाबले। यहाँ पे दोस्तों इसका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे एनिमेशन भी काफी ज्यादा फास्ट हो गए हैं। यहाँ पे दोस्तों एनिमेशन iOS से भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये HyperOS कितना ज्यादा कमाल करने वाला है। खैर दोस्तों अभी जो ये OS है सिर्फ ये चाइना में रिलीज किया गया है, वो भी MI के 14 सीरीज के साथ, यानी कि Xiaomi का 14 सीरीज पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें ये अपडेट मिलने वाला है। उसके बाद जितने भी फ्लैगशिप होंगे सबको मिलेगा और जिनके अपडेट्स बाकी होंगे सबको ये अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। और आपका अगर कोई Xiaomi वाला डिवाइस है तो नीचे में कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का कि आपको ये अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सब आते हैं कि आखिर ये नाम चेंज करने की क्या वजह है। दोस्तों कंपनी ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया कि आखिर ये नाम चेंज करने की वजह क्या है, बट आप लोग कुछ चीजों से समझ सकते हो कि आखिर ये नाम क्यों चेंज किया गया होगा। तो यहाँ पे कंपनी को इसके नंबरिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है, MIUI 14, MIUI 14.5, MIUI 14.6, तो ऐसे जो है ना ये लोग कुछ ज्यादा उलझ गए हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक सुलझा हुआ नाम दिया जाए और जहां से ये फिर से शुरू कर पाए। दोस्तों MIUI को रिप्लेस करने का कारण ये भी हो सकता है कि MIUI के कुछ लास्ट अपडेट जो है ना वो काफी ज्यादा खराब रहे कुछ स्मार्टफोन के लिए, जहां पे कैमरा डेड, मदरबोर्ड डेड, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, जिसके बाद से MIUI थोड़ा सा बदनाम हो चुका था, जिस वजह से हो सकता है कि कंपनी ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया हो और कंपनी ये बताना चाह रही हो कि अब हम लोग तैयार है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और कोई भी प्रॉब्लम हम लोग आने नहीं देंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आखिर इस HyperOS के साथ क्या क्या फीचर आने वाला है और यहाँ पे ये क्या क्या चीजें होने वाली है, सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।